ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि भूमि के ऊपर बड़े बड़े पर्वत हैं, जैसे हिमालय है, अनेकों महासागर हैं, लेकिन फिर भी भूमि को उनका भार महसूस नहीं होता है। किंतु जैसे ही धरती के ऊपर असुरों की संख्या बढ़ जाती है, उनके द्वारा पाप कर्म जब बढ़ जाते हैं, तो भूमि को वह भार सहन नहीं होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने ज्यादा हम पाप कर्म इस संसार में करेंगे, हम इस भूमि को अत्यधिक भार दे रहे हैं। तो आज से लगभग 5000 साल पहले जब कंस जैसे असुर, शिशुपाल जैसे असुर और उनकी सेनाओं के द्वारा अनेकों प्रकार के भूमि के ऊपर अत्याचार किए गए, तो भूमि को वो भार सहन नहीं हुआ। अत्यंत दुखी होकर भूमि ने एक गाय का रूप धरा और ब्रह्मा जी के पास में गई। आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और अपनी पीड़ा, अपना कष्ट उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ, भूमि के साथ, इसी ब्रह्मांड में एक ग्रह है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं, जहां पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में विराजमान है। तो सभी देवतागण वहां पर गए और क्षीर सागर के तट से भगवान की आराधना करने लगे। वेदों के अनुसार उन्होंने पुरुषा सूक्त नामक प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की उपासना की। ओम तच्छयो आवृणी महे गातुम यज्ञाया गातुम यज्ञपतये। थोड़ी देर के पश्चात जब सभी देवताओं ने देखा कि भगवान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। तो उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के पश्चात भगवान ने उनके हृदय के अंदर में संदेश प्रदान किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यहां पर समझना। ब्रह्मा जैसे महान देवता भी भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं, लेकिन उनको भी दर्शन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। उनको भी क्षीर सागर के तट पर खड़े रह करके भगवान की प्रार्थना करनी पड़ती है। सनातन गोस्वामी इस विषय में कहते हैं
यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति। विधिर का मतलब होता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी अपनी समाधि में लीन होकर के न तव नखाग्र मरीचिन, भगवान के नख से आने वाली एक रोशनी को भी, उस कांति को भी दर्शन उनका दुर्लभ है। तो हमें अपने आप को कितना भाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान अपनी असीम कृपा के द्वारा, अहेतु की कृपा के द्वारा आज से लगभग 5000 साल पहले इसी धरती पर स्वयं भगवान कृष्ण घूमे, अपनी लीलाएं भगवान ने रचाई हम सभी बद्ध जीवों के लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या संदेश दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी को दो संदेश दिए। एक कि भगवान स्वयं मथुरा नगरी में देवकी और वसुदेव के घर में स्वयं अपने आदि रूप में भगवान धरती पर आएंगे। दूसरा, उन्होंने सभी देवताओं को आदेश दिया कि सभी देवता गण भी भगवान की संतुष्टि के लिए जब भगवान अपनी लीला रचाएंगे तो ये सारे देवी देवता वो भी यदुकुल में जाकर के जन्म ले भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए। भगवान के प्रिय अर्थम, भगवान की संतुष्टि के लिए। इस घटना से भी एक और बड़ा महत्वपूर्ण अंग हम जो समझ सकते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किया। भागवत में भी बताया है जब इस सृष्टि की रचना की गई उस समय जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया तब जाकर के भगवान ने उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। ब्रह्म का मतलब होता है ये वैदिक ज्ञान। आदि कवये ब्रह्मा जी जो आदि कवि हैं उनके हृदय में भगवान ने ये ज्ञान प्रकाशित किया। तब ब्रह्मा ने क्या किया, ये ज्ञान अपने शिष्य नारद को दिया। नारद ने क्या किया, ये ज्ञान वेद व्यास को दिया। वेद व्यास ने सभी वेदों की रचना की। इस प्रकार से ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा में प्राप्त होता है। तो ये भी हम देख सकते हैं भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, बाद में ब्रह्मा ने ये आदेश, भगवान का संदेश देवताओं को सुनाया। उसके बाद में सभी देवतागण अपने अपने धाम को वापस लौट गए। वहां पर मथुरा नगरी में वसुदेव जो शूरसेन के पुत्र हैं, जो मथुरा के उस समय के राजा थे, उस समय देवकी के साथ में विवाह करने के पश्चात वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। और उस समय देवकी का भाई कंस स्वयं रथ को हांक रहा था। क्योंकि क्या होता है, जब कन्या अपने घर को छोड़ करके मायके से ससुराल जाती है तो उसे पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो भाई क्या करता है, कई बार ससुराल तक छोड़ने के लिए साथ साथ जाता है। तो कंस जो है स्वयं रथ को हांक रहा था, लेकिन उस समय क्या हुआ, एक आकाशवाणी आकाश से सुनाई दी। उस आकाशवाणी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख कंस, तू अपनी बहन के रथ को हांक रहा है लेकिन तुझे ये ज्ञान नहीं है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा। तो कंस जो है तुरंत भयभीत हो गया, उसने रथ की लगाम छोड़ दी
और जिस हाथ से उसने लगाम पकड़ी थी उसी हाथ से उसने देवकी के बालों को खींचना शुरू किया। दूसरे हाथ से उसने अपनी तलवार निकाल ली और तुरंत उस अबला कन्या अपनी बहन का वध करना चाहता था। उस समय वासुदेव ने जब यह घिनौना कार्य देखा, तुरंत वसुदेव ने कंस से कहा, अरे कंस, क्या तुम मृत्यु से इतने घबराते हो कि अपनी मृत्यु के लिए, उससे बचने के लिए तुम अपनी बहन का वध करना चाहते हो? उस समय वसुदेव ने एक उपाय किया और बड़े ही महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक ज्ञान कंस को प्रदान किया। बड़े ही सुंदर उन्होंने कंस को उपदेश दिए। उन्होंने तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, हम इसे ध्यान से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बड़ा ही श्रेष्ठ है। पहला, उन्होंने कंस को समझाया, उन्होंने कंस से कहा कि जब कोई भी जीव इस संसार में जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। अगर आज हम 25 साल के हैं, मतलब हम 25 साल अपनी उम्र खो चुके हैं, मृत्यु के नजदीक हैं, तो इस परिस्थिति में जब हम इस शरीर को छोड़ करके अगला शरीर धारण करेंगे तो भला मृत्यु से क्यों घबराना। दूसरा, उन्होंने कम से कहा कि जीव तभी अपने शरीर को छोड़ता है जब उसका नया शरीर तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा, आपने देखा होगा वो कैसे चलता है, पहले आगे का अपना सर आगे लगाता है, पीछे से अपने जो है पीछे के भाग को उठाता है और इस प्रकार से रेंग रेंग कर चलता है। यह भी उदाहरण दिया जाता है, हम जब अपने कदम रखते हैं सामने, जब हम आगे का कदम रख लेते हैं उसके पश्चात ही हम पीछे का कदम उठाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा आगे का शरीर तैयार हो चुका है तभी जाकर के हम इस वर्तमान शरीर का त्याग करते हैं और अगला शरीर धारण करते हैं। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश वसुदेव ने कंस को दिया। तीसरा, वो कंस को बताते हैं कि जिस प्रकार से सूरज एक है, उसका रूप भी एक है, चंद्रमा का रूप भी एक है, लेकिन वही सूरज वही चंद्रमा जब हिलते हुए पानी में, जिस पानी के अंदर में जो है, जो शांत नहीं है, जो अशांत पानी है, जब उसके अंदर में उसका प्रतिबिंब आता है, उसके अनेकों प्रकार के अलग अलग रूप नजर आते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का रूप एक ही है, लेकिन जब हमारा मन विचलित होता है, जब हमारा मन चंचल है, अशांत है, जब उसके अंदर में अनेकों प्रकार की भौतिक आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके कारण आत्मा इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के शरीर धारण करती है। हमने रात में भी देखा होगा, रात के समय में जब मन विचलित होता है, सपने के अंदर में अनेकों प्रकार के हम शरीर धारण करते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, इस प्रकार का ज्ञान वसुदेव ने कंस को दिया। लेकिन असुरों के ऊपर उपदेशों का कोई असर नहीं पड़ता है। फिर वसुदेव ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा तो करना चाहिए जिसकी वजह से अभी अगर मैं देवकी की जान बचा सकूं, वो महत्वपूर्ण है, आगे अपनी संतानों के बारे में बाद में सोच लूंगा, पहले देवकी की जान बचा लूं।
इससे भी हम एक बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग जो यहां पर सीख सकते हैं, संकट की परिस्थिति में अगर हम आते हैं तो भगवान ने जो हमें बुद्धि प्रदान की है वो भगवान के द्वारा ही दी गई है, उसका उपयोग करके किसी न किसी प्रकार से हमें संकट की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। उसके बाद में भी अगर हम संकट की परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं, उसमें फिर हमारा कोई दोष नहीं है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो वसुदेव ने उसी प्रकार से अपना कर्तव्य पूर्ण किया। उन्होंने कंस से कहा, कंस तुम्हें जो है देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी तुम्हारा वध थोड़ी करेगी। देवकी का आठवां पुत्र आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारा वध करेगा, और भविष्य को किसने देखा है, भविष्य में हमारे पुत्र होंगे नहीं होंगे कौन जानता है। और मैं अपनी तरफ से यह वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं सब ला करके तुम्हें सौंप दूंगा, तुम उनके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। कंस को वसुदेव के वचनों के ऊपर बहुत भरोसा था, उन्हें पता था वसुदेव अपने वचनों के पक्के हैं। तो उसने तुरंत वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। कुछ समय के उपरांत देवकी ने जब पहले पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव उस समय अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से लेकर के जाते हैं और कंस को सौंप देते हैं। किन महान गुणों के द्वारा वसुदेव ने अपने पुत्र को स्वयं कंस को सौंप दिया और कंस इस पुत्र के साथ क्या करेगा, ये हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे, स्वच्छ जल की झीलें और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033, 7725977260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। तो भगवान की यह सेवा करने चूके नहीं और कान्हा जी की कृपा रूपी मेवा प्राप्त करें। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033, 7725850033।